दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सच दिखाने में बॉलीवुड की कितनी फटती है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर फिल्म में इतिहास और तथ्यों को छेड़छाड़ करके उसे तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है। और इस बार भी वही हुआ है, देशभक्ति के नाम पर हमारा जबरदस्त वाला काटा गया है। तो चलिए पेलते हैं। गांधी गोट से विचारों का युद्ध, यह एक हाइपोथेटिकल फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिल्म किस लेवल तक प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। यह फिल्म असगर वजाहत के एक नाटक gotse@gandhi.com पर आधारित है। शुरुआत में हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। हिंदू और सिख मिलकर मुसलमानों को खोज खोज कर मार रहे हैं। मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि इस बात को रफा दफा कर दिया गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का बहुत ही भयानक तरीके से नरसंहार होता है। जबरदस्ती उनकी माँ बहनों को घसीट कर ले जाया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है। लेकिन गांधी जी चाहते हैं कि कोई हिंसा ना करें, सब भाईचारे से रहें। हालांकि उनकी यह अपील भी सिर्फ एक तरफा ही थी। आपको दोनों तरफ के मामले को समझना होता है। इतना भी अभिमानी नहीं होना है कि एक का आंसू और दूसरे का आंसू सिर्फ पानी लगे। गांधी जी जाकर हिंदू और सिख भाइयों से कहते हैं कि हिंसा मत करो, मुसलमान हमारे भाई हैं। अबे यही बात जाकर मुसलमानों को समझाओ ना कि हिंदू और सिख हमारे भाई हैं, उन्हें मत मारो। ये नहीं दिखाया गया है, पूरी वन साइडेड स्टोरी। दूसरी तरफ आजाद भारत का डरा हुआ मुसलमान गांधी जी की शरण में आता है मदद के लिए। गांधी जी ये देखते हैं कि उनके इतने अपील के बाद भी जब मामला शांत नहीं हो रहा है तो वो अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, आमरण अनशन। इस फैसले के बाद पूरा कांग्रेस हिल जाता है। रातों रात हिंदू और सिख भाइयों को उनके ही इलाके से भगा दिया जाता है, यह आरोप लगाकर कि वो लोग शरणार्थी हैं अपने ही देश में। जबरदस्ती उनके लीडर से समझौते पर साइन करवाया जाता है। यह खबर सुनते ही गांधी जी अपना अनशन तोड़ देते हैं। गांधी जी की इस मानसिक हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा सिर्फ दो लोग नाराज रहते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर और नाथूराम गोडसे। इस बात के बहुत प्रमाण मिल जाएंगे कि गोडसे के साथ साथ बाबा साहेब भी गांधी जी की विचारधाराओं के खिलाफ रहते थे। आप चाहें तो BBC को दिया गया बाबा साहेब का इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर गांधी जी का विरोध किया है। बाबा साहेब तो तब भी चलो ठीक है, लेकिन गोडसे इस मामले में काफी ज्यादा कट्टर थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोडसे से यह पक्षपात बर्दाश्त नहीं होता है और वो गांधी जी को गोली मार देते हैं। इसके बाद गोडसे को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसे यह पता चलता है कि गांधी जी अभी जिंदा हैं। गांधी जी को ना मार पाने के गिल्ट में गोडसे जेल में तड़प रहा है। तभी गांधी जी उससे मिलने आते हैं और यहीं से शुरू होता है विचारों का युद्ध, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक और एक तरफा है। जहाँ एक तरफ गोडसे हिंदुओं के कत्लेआम का जिम्मेदार गांधी जी को ठहराते हैं, तो दूसरी तरफ गांधी जी अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, जैसे इसमें उनका कोई हाथ ही ना हो। जब गोडसे कहते हैं कि तुम्हारी हत्या पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, तो अपने बचाव में गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। हाँ भाई, इतिहास तो कर ही रहा है। गांधी जी के जन्मदिन पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करता है ट्विटर पर। यहाँ यह दिखाया गया है कि उस समय कांग्रेस सिर्फ एक आदमी को खुश करने में लगी रहती थी, गांधी जी। या यूं कहा जाए, कांग्रेस गांधी जी की कठपुतली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांधी जी कांग्रेस को बंद करने का ऑर्डर देते हैं, यह बताते हुए कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक आंदोलन था। आजादी मिलने के बाद अब इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन नेहरू जी समेत कई नेता इस फैसले को ठुकरा देते हैं, जिस कारण गांधी जी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इधर नाथूराम गोडसे का यह मानना था कि आज़ादी दिलाने का सारा ठेका खुद गांधी जी और कांग्रेस के लोग लेना चाहते हैं। बाबा साहिब की एंट्री से ही यहां से एक और कहानी निकलने लगती है, जातिवाद की। मनुस्मृति का उदाहरण लेकर वो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं और कहते हैं कि देश किसी धर्म ग्रंथों से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए। हाँ भाई, सऊदी अरब तो बस एक अपवाद है ना। पहली बात यहाँ यह जान लीजिए कि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इसके अलावा हिंदू धर्म में कोई धर्म ग्रंथ मूल नहीं है। ज्यादातर हिंदू इन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर अमल करते हैं। मनुस्मृति का प्रचलन ब्रिटिश शासन काल के दौरान अस्तित्व में आया।
उसके पहले इसके चलन का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसमें लिखी गई बातों का भी कोई मतलब नहीं बनता। एनीवे, इंटरवल के बाद से गांधी, गोडसे और जातिवाद यही इस फिल्म की मेन स्टोरी बन जाती है। कुछ ऊंची जाति के ब्राह्मण लोग गांधी जी को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो एक सुपारी किलर को काम पर लगा देते हैं। इधर गांधी जी पटना में ग्राम स्वराज अभियान शुरू करते हैं, जिसके तहत समाज में फैली ऊंच नीच प्रथा को खत्म करना था। उनकी इस हरकत से तंग आकर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। गांधी जी चाहते थे कि उन्हें उस जेल के उसी वार्ड में भेजा जाए जिसमें नाथूराम गोडसे हैं। अपने वार्ड में गांधी जी को दोबारा देखकर गोडसे परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर गांधी जी क्या चाहते हैं। यहाँ गांधी गोडसे के बीच दोबारा से विचारों का युद्ध होता है। गोडसे के अखंड भारत के नक्शे को देखकर गांधी जी बोलते हैं, जहाँ तुम कभी गए नहीं, जहाँ के लोगों को तुम जानते तक नहीं, तो वो भारत का हिस्सा कैसे हो गया। ये अलग ही पता नहीं क्या लॉजिक दिया गया है। अभी भी आप में से बहुत से लोग होंगे जो आज तक मुंबई नहीं गए होंगे और वहाँ के रहन सहन तौर तरीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो क्या मुंबई भारत का हिस्सा नहीं है? पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं है? मतलब कुछ भी। अगले सीन में एक कैदी से गोडसे बोलते हैं कि देश की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। इस पर कैदी बोलता है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन किसी अंग्रेज को आपने एक पत्थर तक नहीं मारा। यह सुनकर गोडसे सोच में पड़ जाते हैं। अगले सीन में जब गोडसे मुसलमानों को ताना मारते हैं तो गांधी जी कहते हैं, मुगल 7वीं शताब्दी में इस देश में आए थे, केरल में। उसके पहले यहाँ शांति ही नहीं थी। उस समय देश में चारों तरफ हिंसा फैली थी, जिसको रोकने के लिए जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बॉलीवुड के इतिहासकारों के अनुसार मुगल अपने साथ शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, शांति दूत बनकर आए थे। उससे पहले तो सोने की चिड़िया शायद अमेरिका को ही कहा जाता था। बाबर, औरंगजेब, नादिर शाह, अकबर, गजवनी, खिलजी, ये सब शांति दूत थे, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, यह सब करके बहुत ही शांति का माहौल बना दिया था। फिल्म में एक और ब्लेम लगाया गया है कि सनातन धर्म को मानने वालों ने भी बहुत से बौद्ध मठ और जैन मठ तोड़े थे। आखिर बॉलीवुड चाहता क्या है? आपस में ही हम लोग लड़ कट के मर जाएं? ना कोई प्रूफ है, ना कोई जानकारी है, बस जो मन में आया पेल दिए। मूवी में यह कल्पना करने की कोशिश की गई है कि अगर गोली लगने के बाद गांधी जी बच जाते तो क्या करते, लेकिन ये असलियत नहीं बताई है कि गांधी जी की हत्या के बाद असल में क्या हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है कि नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण थे। जब गांधी जी की हत्या हुई तो उनके समर्थकों ने गोडसे के ब्राह्मण गोत्र को खोज खोज कर नरसंहार किया था। उसके बारे में दिखाने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, अगर कोई एक मुसलमान आतंकवादी बन जाए तो दुनिया के सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दो। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो हाँ, नाथूराम गोडसे का फैसला गलत था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके इस फैसले से कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या पर जमकर विक्टिम कार्ड खेला, राजनीति की और केंद्र में रहकर इतने सालों तक राज किया। यह गोडसे की ही गलती का नतीजा था। कुल मिलाकर गांधी जी के माध्यम से फिल्म ये कहना चाहती है, गोडसे की विचारधारा ना ही हिंदुओं के हित में है और ना ही हिंदुस्तान के। जाहिर सी बात है, यह टॉपिक पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने बड़ी ही चालाकी से जो एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। साफ पता चल जाता है पक्षपात किया जा रहा है। पूरा फोकस सिर्फ गांधी जी और उनके विचारधारा पर है। गोडसे विचारधारा कुत्ता और गांधी विचारधारा टॉमी, ये कौन सी बात हुई भाई। गांधी जी के जीवन के ऊपर ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिसमें उनकी काली सच्चाई के बारे में बताया गया है। एक ब्रिटिश इतिहासकार जेड एडम्स की बुक गांधी नेक्स्ट एम्बिशन तो यह कहती है कि गांधी जी सेक्स के बहुत भूखे रहते थे। 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। शादी के 2 साल बाद जब गांधी जी के पिता की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, तब गांधी जी उनकी देखभाल करने की बजाय अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहे थे। इसी दौरान उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस बुक में लिखा हुआ है। यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि आश्रम को सबसे पहले गांधी जी ने ही दूषित किया था। वो ब्रह्मचर्य पालन के बहाने सिर्फ महिलाओं को ही अपने आसपास रखते थे। आश्रम के तस्वीरों में आप ज्यादातर गांधी जी को महिलाओं के साथ ही पाएंगे। इसमें यह भी लिखा गया है कि गांधी जी जवान लड़कियों के साथ नहाते थे, नंगे होकर उनसे मालिश करवाते थे। ऐसा करके वो अपने ब्रह्मचर्य जीवन की सहनशीलता पर एक्सपेरिमेंट करते थे। राजा जी, ये सब बातें इस बुक में लिखी गई हैं। लेखक ने गांधी जी के सैकड़ों खतों पर रिसर्च करने के बाद ही यह किताब लिखी है। ये बातें कितनी सच हैं कोई नहीं जानता। कुछ लोग गांधी जी से इसलिए चिढ़े हुए रहते हैं क्योंकि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को फांसी से बचा सकते थे,
बहुमत में सरदार पटेल के होने के बावजूद नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से निकाला जाना, बंटवारा रोकने के लिए जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार होना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अधिकतर लोगों को पसंद नहीं है। तो ओवरऑल गांधी गोट से पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है जिसे देखना आपके सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। आप चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, दोनों के लिए ही यह फिल्म बर्दाश्त के बाहर है, तो इससे जितना दूर रहिए उतना अच्छा है। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। तो अगर आपने इस फिल्म को झेल लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है आप तक सही जानकारी पहुंचाने में। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।